आज का वीडियो मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे याद आया कि मेरी वीडियोस में मैं वो बताओ जो सपने में भी आते हैं, यानी जो सपने आते हैं हमें, उस बारे में कुछ बोलूं। तो हम लोग यानी मैं जो सपना देखती हूँ, अगर कोई उसे रिलेट कर पाए तो कर सकता है। तो मैं जो सपना देखती हूँ वहाँ पर जैसे कोई रूम्स होते हैं, हम किसी घर में हैं और मैं बातें करती हूँ। कभी कभी कुछ वहाँ पर भी झगड़े हो जाते हैं ड्रीम्स में, और सामने वाले की गलती पे उसे डांट रही होती हूँ। तो काफी लोगों से ड्रीम्स में मैं मिली हूँ जो मुझे लगता है कि रियल में भी वो लोग हैं, यानी ड्रीम्स में हम लोग जो मिलते हैं। तो ड्रीम्स में मैंने देखा एक कमरे में बहुत सारे चॉकलेट थे, और आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर कहीं बाहर थी जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे थे, और जैसे कोई होटल या रिजॉर्ट था जहाँ पे कुकिंग हो रहा था कंटिन्यूअस, और किसी की शादी होने वाली थी। तो ऐसे सपने भी देख रही हूँ जहाँ पे कुकिंग हो रहा है, हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं। किसी स्टेशन पे देखा है, किसी स्टेशन के यहाँ से जा रही हूँ। मतलब रियल लाइफ में मैंने ये सारी जगह नहीं देखी है जो ड्रीम में देख रही हूँ, और मुझे लगता है कि ये सारी जगह है। पर ये जानना है कौन सा एग्जैक्ट प्लेस है वो। कभी कभी हो सकता है कि दो तीन जगहों का मिक्सचर हम लोग देखते हैं, जैसे फ्लैश ऑफ अ सेकेंड आप यहाँ हो तो अगले ही सेकेंड में आप कहीं और हो। तो ड्रीम्स जो देखते हैं वो बहुत कम समय का दिखता है, जो याद रहता है आँख खुलने के बाद भी। लेकिन जब हम सोते हैं और जब हम सुबह उठते हैं, इतना ड्यूरेशन हम कहाँ रहते हैं, इतना ड्यूरेशन हम कहाँ हैं। अगर मुझे मेरे ड्रीम्स का इतना ही क्षण याद है तो दूसरों को कितना याद होगा। बहुत सारी जगह तो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कितने सारे तो बात नहीं कर पाते ड्रीम्स में, लेकिन मैं तो बात भी करती हूँ ड्रीम्स में। अपना थिंकिंग दूसरों पे फॉरवर्ड भी करती हूँ, कहती भी हूँ गलत सही। और ज्यादातर तो वहां पर झगड़े हो रहे हैं यही देख रही हूँ मैं, और उन लोगों को डांट पड़ रही है गलतियों के लिए। ऐसे सपने आ रहे हैं। हाँ, और इससे ऐसे सपने आ रहे हैं जिससे याद आया कि मुझे सपना आता है कि कल मेरा टेस्ट है ग्रेजुएशन का, मतलब लास्ट ईयर का है, और बहुत समय से मैं कॉलेज गई ही नहीं हूँ, मेरे पास बुक्स भी नहीं है, एंड सडनली एग्जाम है एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, बट एग्जाम कल ही है, मुझे अपियर ही करना है, तो मुझे आज कॉलेज जाना होगा, और हॉल टिकट और लिस्ट यानी जो भी हमें लगता है एग्जामिनेशन के लिए वो कलेक्ट करना है। ऐसे सपने आते हैं कि एग्जाम है, टेस्ट है, एंड आई हैव टू अपियर फॉर इट, बट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड। एंड नॉट प्रिपेयर्ड, नॉट सीन द बुक्स फॉर अ वाइल, बट
इतना ड्रीम्स में इतना जैसे किसी दूसरे का होल्ड है कि नहीं कल एग्जाम है तो कल देना ही है, ऐसा वो एक टेंशन और प्रेशर ड्रीम्स में भी फील होता है। और उस वक्त जब वहां मौजूद होते हैं ना तो ऐसा लगता नहीं है कि आप ड्रीम में हो, ऐसा लगता है कि आप रियल में कहीं किसी जगह पर हो और आपके साथ ये बातें बीत रही है। तो मेरे ड्रीम्स के बारे में मैंने घर में बताया तो उन लोगों को भी पूछा कि तुम लोगों को क्या ड्रीम्स आते हैं। तो मेरे घर में हस्बैंड का ड्रीम आया था उनको कि वो बहुत किसी से लड़ाई कर रहे हैं हाथापाई, बट एंड में जो सामने जो है उन पे हावी हो गए। तब समझ सकते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी तो अगर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे ड्रीम्स के बारे में तब हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि देयर इज सम अदर साइड विच इज गेटिंग हैवी ऑन अस दिस साइड थ्रू आर ड्रीम्स। तो इस तरीके से हमारे इमोशंस पे, और हमारी नींद खुल जाती है, हम लोग उठ जाते हैं लेकिन वो हमारे ब्रेन में हमारे इमोशंस में सडनली हमारा बिहेवियर चेंज हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। सो समबडी इज कंट्रोलिंग फ्रॉम अदर साइड थ्रू ड्रीम्स। सो इसीलिए वो लड़ाइयाँ झगड़े ये सब दिखाई देता है, या आप कहीं भाग रहे हो, आपका टेस्ट है। टेस्ट का तो मुझे बहुत बार आया था, अब थोड़ा सा बंद हो चुका है। अब धीरे धीरे चीजें कुकिंग के यहाँ दिखता है कि बहुत कोई खाना बना रहा है, शादी है पार्टी है ये दिखाई देता है। अब देखते हैं आज क्या ड्रीम आएगा। इट्स ऑलरेडी 11:30। कहते हैं कि हम जो यहाँ जो देखते हैं दिन भर में उससे रिलेटेड हमारा ब्रेन इमेजिनेशन बनाता है और हम वो चीजें देखते हैं हमारे ड्रीम्स में। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टच होता है, आप किसी पे बातें कर रहे हो ड्रीम्स में जो वहां का रिलेट हो कि यहाँ पर आप कुछ फोर्स आता है ना कि आप यहां से आवाजें निकालने लग जाते हो, वहां झगड़े कर रहे हो लेकिन फोर्स यहाँ पे आता है कि यहां से आवाज आने लगते हैं, तब आपको झटका लगता है और ऐसा लगता है कि हम लोग दो हैं कि वहां है यहाँ है। और उसका असर असर की बात कर रही हूं। फिर जब तक रियलाइज होता है फ्यू सेकंड्स निकल जाते हैं, 1 मिनट लगता है आपको संभालना अपने आप को, और फिर आपको रियलाइज होता है कि ड्रीम है, मैंने कोई सपना देखा जो बुरा था। लेकिन सपने प्रभावित कर रहे हैं हमें, कुछ चीजें इतनी बैलेंस की गई है ना कि एक्चुअल लाइफ में आप उसको तभी किसी को बोल सकते हो या साबित कर सकते हो जब आपके पास इसका प्रूफ हो, यानी कि आपने वो जो ड्रीम देखा है किसी और ने भी वो ड्रीम देखा है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने मेरे ड्रीम में मेरे परिवार वालों को देखा है तो हो सकता है उनको वो सपना उस वक्त याद नहीं हो, क्योंकि हमें सिर्फ कुछ ही क्षण का सपना याद रहता है, बाकी का पूरा समय जैसे अंधकार में है हम। तो आप समझिए हम कहाँ होंगे, ये बात मैं बहुत जल्द बताऊंगी कि सपने में हम कहाँ होते हैं। तो जो क्षण हमें याद है सपनों के, अगर वो किसी के साथ रिलेट हो जाए तब लोगों में ये यकीन आएगा, उन्हें इस बात का भरोसा आएगा, या जागरूकता आएगी कि सच में सपने में भी हम वहां मौजूद होते हैं। सूक्ष्म शरीर कहते हैं ना वैसा, और वो बातें वहां से यहाँ आती हैं और हमारे अंदर हमारे ब्रेन में मैनिपुलेट होने लगती है। तो क्लियरेंस उस जगह भी चल रहा है और
अभी तो मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स को देखा है, नॉट फुल फैमिली मेंबर्स, पर मैंने दूसरों को देखा है। तो अगर रियल लाइफ में मैं उनसे मिलूंगी तो शायद वो पहचाने, क्योंकि जिस जो हिस्सा ड्रीम का मुझे याद है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हिस्सा उनको भी याद हो। तो जैसे अगर मैंने कुछ डिस्कस किया और उनको भी याद है कि हाँ ऐसा सपना मैंने भी देखा है, तो तब वो धीरे धीरे रिलेट होता जाएगा, मैच मैच होगा और लोगों में ये इस बात का विश्वास होने लगेगा कि सच में ड्रीम्स में भी हम लोग कहीं जा रहे हैं। आजकल मैंने देखा है कि कुछ लोगों को कुछ अटपटा जब सपना आता है तो वो लोग अपने व्लॉगिंग में भी बातें करते हैं। ज्यादा लोगों को नहीं देखा है, कुछ ही लोगों को देखा है। जैसे मैंने भी देखा कि कहीं से चोरी हो रही है, घर से चोरी हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहीं पे देखा कि मैं ही कहीं से पैसे गिरे हुए तो मैं उसको उठा रही हूँ। कभी देखा कि कहीं पे ज्वेलरी गिरी हुई है और कोई है ही नहीं, रोड पे मैं जा रही हूँ, ज्वेलरी मिल गया तो बस उठा लो। ऐसे सपने देख रहे हैं, बट अंदर से क्या आवाज आती है? अंदर से ये आवाज आएगी कि देखो चोरी कर रही है। मतलब कॉन्स्टेंटली समबडी स्पीकिंग बिहाइंड। इफ यू आर नॉट स्पीकिंग योर सेल्फ, सूक्ष्म शरीर नहीं बात कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, तो कोई और आपको कुछ डायरेक्शन या कमांड दे रहा होता है। अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे ना, सुनते सुनते फोकस करेंगे, तो आपको ड्रीम्स में भी पता चलने लगेगा कि कोई पीछे से बात कर रहा है और वो आपको कमांड कर रहा है आपके ड्रीम्स में, चोरी करने के लिए या गलत भावना डालने के लिए। और बहुत जल्द जो गलत कमांड कर रहा है ना, वो रिवील हो जाएगा, बिकॉज वो हमेशा अपने पीछे होते हैं। तो जो बंदा पीछे है उसको हम ड्रीम में टर्न होके तो नहीं देख सकते कि ये कौन कह रहा है। तो जिस दिन हम देखने लग जाएंगे ना पीछे घूम के कि हमारे पीछे कौन है, उसके लिए हमें ड्रीम में पावर चाहिए होगा। तो आप समझते हो कि ड्रीम्स में बात करना, यानी कि मैं कर सकती हूँ ड्रीम्स में बात, हो सकता है और भी कोई कर सकता होगा ड्रीम्स में अपने सामने वाले से बातें, लेकिन मैं 1 घंटा भी बात कर सकती हूँ ड्रीम्स में। रियलिटी यहाँ इस तरफ मैं इतना देर बात नहीं कर पाती, लेकिन उस तरफ 1 घंटा भी बात कर लेती हूँ अगर। लेकिन जो मूवमेंट है, मतलब टर्न लेना है हमें, राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न, वो लिमिटेड है ड्रीम में। फॉर दैट यू नीड सम पावर, फोकस। ड्रीम्स में भी बहुत बार मैं ये कहती थी कि नहीं, ये सपना है, ऐसा ऐसी बातें तो हो ही नहीं सकती ये हकीकत में, ये ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर। सोचे सपने में भी मुझे इतनी जागरूकता है कि मैं ये कहती हूँ कि ये तो सपना है और ये हकीकत में हो नहीं सकता। लेकिन आंख खोलकर जब ये पॉइंट बोलती भी हो ना, तो आंख खोलकर बाहर आना मुश्किल हो जाता है, सपने से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। मतलब हम समझते हैं कि हम लोग वहां कैद है, कैद हो जाते हैं। यानी अगर इस तरफ अगर कुछ हलचल नहीं हुआ या आपको किसी ने नहीं उठाया, तो आप वहां पे इतने इतने सेंसिबल हो जाते हैं ना कि आपको लगेगा कि आप फंस गए हो, अब मुझे वापस जाना है उस तरफ से इस तरफ। ये भी मैंने देखा है। लकीली वो क्या होता है ना, बीच में कुछ ऐसा ब्लैक आ जाता है, कट हो जाता है, जिससे फिर हमें लगने लगता है कि ओके ये ड्रीम ही है। मतलब जब हम जागते हैं
तो हमें लगेगा कि वो ड्रीम ही है, बट जब वहां रहेंगे तो वहां नहीं लगता है कि ये कोई ड्रीम है, वो रियलिटी लगता है। तो ऐसे सपने भी देखे, मैं क्यों सपना कह रही, क्योंकि सोने के बाद वहां गए ना। वेन वी आर ऑन सम लेवल, यानी गहरी नींद में शायद, अगर जब सपना देखा है और जब हम किसी लेवल में गए हैं तो उस लेवल पे वो देखा है, और ये महसूस भी किया है कि फंस गए हैं, वापस कैसे जाएं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अभी ये सेंस आया है कि बहुत सारे लोग जो नींद में चले जाते हैं, तो दे आर नॉट एक्चुअली गॉन, दे आर एक्चुअली स्टक दैट साइड। आई गॉट दिस सेंस नाउ। और यहां तो हम उनका शरीर भी जला देते, कहते हैं कि नींद में चले गए, जबकि उनकी मौत नहीं हुई होगी। ये बात अलग है कि हम लोग कहेंगे कि बॉडी टेम्परेचर तो देखा होगा, नब्स तो देखा होगा, लेकिन आपकी चेतना उस तरफ चली गई ना। बट दैट वॉज योर ड्रीम, आपका निर्धारित समय नहीं था मृत्यु का, लेकिन आप वहां गए, वहां आप बिकॉज ऑफ सम ब्लैक फोर्सेस आप वहां स्टक हो गए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं उस तरफ अटक गई थी लेकिन मैं वापस आ गई। वो क्या हुआ बीच में वो मुझे बिल्कुल ना मैंने देखा ना मुझे याद है। अगर देखा होता तब याद होता, दिखा ही नहीं क्या हुआ, लेकिन आई फेल्ट कि आई एम स्टक, वापस ही नहीं जा पाऊंगी इस तरफ, बट आई केम बैक। एंड डेफिनेटली भगवान ने हेल्प किया होगा जो दिख नहीं रहे थे, लेकिन इस तरफ आना भगवान ने ही वहां से बाहर निकाला है। बट अगर मुझे ये सेंस आया है, मैं तीसरी बार बोल रही हूं, मेरे अंदर से आवाज आ रही है, थर्ड टाइम सेइंग्स, थर्ड टाइम द पर्सन हु इज इन डीप स्लीप, आई डोंट नो द लेवल्स ऑफ स्लीप, हाउ डीप वी गो। टिल नाउ माई नॉलेज सेज दैट वी गो टिल बीटा लेवल, बट आई हैव हर्ड दैट दे आर सेइंग टीटा एंड डेल्टा, द पीपल हु आर क्रिएटिंग ब्लैक। तो टीटा लेवल भी है, जो शायद मैं बहुत जल्द बता दूं, क्योंकि इतनी गहरी नींद होती है ना कि आप पर चीजें इतनी हावी हो जाती हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये भी मैंने देखा है, कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब हम लोग तो जैसे जम जाते हैं ना, क्योंकि हम लोग, हमें बहुत नींद आ रही है। जब यहां पर हमें गहरी नींद आती है, हमें कैसे हैवी फील होता है, तो आप जब एक्चुअली गहरी नींद में सो रहे होते हो और वहां आपके साथ कुछ हो रहा होता है सूक्ष्म लेवल पे, तो आपको तो कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता, इतना ब्लैक है और शरीर इस तरह से जमा हुआ है कि हिल नहीं सकते। आप सोचिए, मैं तो बात करती हूं वहां पर, कैसे धीरे 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 अब जाके इतने साल हो गए, अभी जो मेरा एज है, अब मैं वहां पर बातें भी कर लेती हूँ, बट नॉट ऑलवेज आई कैन स्पीक देयर। मेरा भी वहां पर माउथ शट हो जाता है, स्टक हो जाता है, यानी कि हैवी हो जाते हैं, अंदर से फोर्स आता है कि इन लोगों को बोलना है, वो तड़प रहती है लेकिन मुंह नहीं खुलता है, बोल नहीं पाते। ये सब सपने आते हैं, सपने जो सपने लगते हैं लेकिन वो सपने नहीं है, वो हकीकत है। तो अभी मैं वही सोच रही थी कि मैं इस बारे में बोलूं कि ये बातें कितना प्रभावित होके मैं कहती हूँ या सरलता से कहती हूँ ये नहीं पता, क्योंकि बैक ऑफ द हेड लगता है ना कि अरे ये क्या बोल रहे हो, घर वाले सुन रहे होंगे, बोलेंगे क्या कह रही है। बट मैंने पूरा हकीकत कहा है और ये सब चीजें हो रही है, और इस बारे में डिस्कस यानी रोज क्या करने का ना, फैमिली से आपको क्या ड्रीम आता है, आपको आज क्या ड्रीम आया, आपको कल क्या ड्रीम आया, लेकिन
मैं शायद अकेली हूं या और भी कुछ लोग हैं जिन्हें ये बात हकीकत लगेगी कि वहां भी स्पेस है, वहां भी इंसान मिलते हैं, और ऐसे ही जो जैसे हम यहाँ रहते हैं वैसे हम हमारा वहां से ड्यूटी, यू नो, 8 आवर्स, वी आर समवेयर 8 आवर्स, तो 8 घंटा ड्यूटी यहाँ का निभा के 24 घंटे में से आप सोचिए कितना घंटा आप सोते, वो ड्यूटी वहां पे परफॉर्म करके आप आते हैं, वहां से आपको लगेगा कि आप ड्यूटी पे जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, या आपको नींद आ रही, आप सोने जा रहे हो और आप इस साइड आते हो. सो दिस इज द रियल वर्ल्ड, बट वहां पे दैट इज द रियल वर्ल्ड. ओके, द ड्रीम इज दैट इज द रियल वर्ल्ड. सो देर आर टू वर्ल्ड्स विच वी ऑल, आई मीन वी आर प्लेइंग पार्ट एज अ ड्रामा. ये है कि यहां पर शरीर है, वहां पे सूक्ष्म शरीर है. वहां पे भी डेथ्स देखे हैं, और बट आपको लगेगा कि समथिंग इज एबनॉर्मल. जैसे वो जोम्बीज होते हैं ना, मतलब लोगों के हाव भाव और जो आसपास में सब जो चल रहा है कुछ भी सही नहीं लगता है, हमेशा ऐसा फील होगा कि डेंजर है, लगेगा कि आप जॉब पे गए हो, सडनली लगेगा ये कौन सी जगह है, ये जगह तो हमने देखी ही नहीं है. मतलब ये सारी बातें वहां चल रही होती है आपके आपके मन में, ये बुद्धि में, या फिर कोई पीछे से कॉमेंट्री कर रहा होता है. एंड देर इज ऑलवेज अ मेल वॉइस, मेल वॉइस. तो आज मैंने सोचा कि चलो ड्रीम के मैं बता दूं. अगर मुझे मेरे ड्रीम्स आज या आज का ड्रीम देखते हैं क्या आता है, तो अगर याद आया कल, तो मैंने सोचा कि थोड़े दिन अपने ड्रीम्स के बारे में बताओ कि मैं ड्रीम्स में क्या देख रही हूं. तो हो सकता है धीरे धीरे इसी बातों से दूसरों से रिलेट होने लगे. विद दिस आई एंड माई वीडियो. वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता ये लाइन बोलना, लेकिन कुछ मिनट होते हैं जो उसके टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे ना, तो फिर पार्ट्स में हो जाते हैं. तो 22 मिनट्स हो गया है ना, तो उसके बाद फिर आगे पता नहीं 23 मिनट्स के बाद पार्ट्स में हो जाते हैं, इसलिए मैं मेरा वीडियो यहाँ एंड करती हूँ. फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगी मेरे फर्दर ड्रीम्स के बारे में, या मुझे और कोई हक